यस सीडीएस 2019 पेपर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है और मैं आपको इसको कुछ पार्ट में कवर करवाऊंगा. पहले पार्ट में वो क्वेश्चन जिनसे कि आप कट ऑफ को 100% क्रैक कर सकते थे, वो बेसिक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हुए हैं फाउंडेशंस कोर्स में पढ़े. जरा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोचेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है देखिएगा. पहले हम इसमें कभी भी कोई पेपर आए तो 1 to 100 नहीं करना है, सिंपल टू टफ करना है. पहले सेलेक्ट करना है वो क्वेश्चन जो सबसे इजी हो, फिर उन क्वेश्चंस पे वर्क करना है जिनमें टाइम कंज्यूम होता है. जैसे ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन में कई बार टाइम लग जाता है. मैं हमेशा बोलता हूं उनको सेकंड राउंड में करो. पहले एल्जेब्रिक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस को सबसे पहले करिए. जैसे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम पे मैंने आपसे बोला था सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हो, देखिए उसी पे बने हुए हैं. इफ 10 पावर x इज डिवाइडेड बाय 6 पावर 23 इंटू 75 पावर 9 इंटू 105 पावर 2 देन व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू ऑफ, वॉट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी. इस तरह के कुछ ऑप्शन हैं. कंसेप्चुअली जरा आप समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या करना था. अगर आप इस पूरे नंबर को 10 पावर x से डिवाइड कर रहे हैं और कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो x की हाइएस्ट वैल्यू क्या होगी. n था, n लिख लीजिए, n की हाइएस्ट वैल्यू क्या होगी. राइट अब देखिए 10 के लिए मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था. आपको एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ जीरो देखना है कितने. जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 10 की पावर होगी. और नंबर ऑफ जीरो मतलब होता है 10 की हाईएस्ट पावर, यानी 5 × 2 की पावर. अगर हम इसमें समझे तो 2 की हाईएस्ट पावर है एक तरह से, 6 है तो 6 को लिख सकते हैं. देखिए समझिएगा 2 × 3 की पावर 23, यानी 2 की हाईएस्ट पावर है 23. 23 भी एक ऑप्शन है, यानी 28 तो रिजेक्ट हो गया. अब 5 की देखना है तो 75 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 की पावर 9. 105 को लिख सकते हो 5 × 21 की पावर 2. अब इसका मतलब यह हुआ कि 5 पावर 9, यानी 5 पावर 18 और 5 पावर 2. 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की 23 है. पर दोनों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, जब आप दोनों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो हाईएस्ट पावर मिलेगी 20. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20. कंसेप्चुअली लॉजिकली कितने स्ट्रांग हो इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं. ये पेपर मैं आपके साथ पूरा ही डिस्कस करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आप किस ढंग से पढ़ें या क्या करें. और याद रखिएगा डिफेंस में जाने का सपना है तो एक भी दिन नहीं रुकना है. ये पेपर के बाद अगले सीडीएस की प्रिपरेशन करना है, भले ही कट ऑफ से कई ज्यादा स्कोर क्यों ना हो. एसएसबी के साथ साथ सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना, और एसएसबी की कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती, वो आपकी डे बाय डे लाइफ डिसिप्लिन इन सब पे डिपेंड करता है. इसलिए अगर डिफेंस ने सोचा है तो बिल्कुल तुरंत, अभी आप देखो तो गुरुकुल का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रिकॉर्ड है. डिफेंस में सबसे कम समय में सबसे अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं. ऐसे में आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सही डिसीजन लेके पढ़ाई करें, कभी कंफ्यूज ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3 पावर 98 - 3 पावर 89. इसका यूनिट डिजिट बताना है. कुछ ऑप्शन इस तरह के हैं. अब देखिए एक चीज समझिएगा, आपने अक्सर प्लस वाले क्वेश्चन देखे पर माइनस के क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दोनों के अगर यूनिट डिजिट निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, अगर प्लस होता तो क्या होता, माइनस होता तो क्या. पावर डिवाइडेड बाय 4, पावर में जैसे ही 4 का डिवाइड किया रिमाइंडर 2 मिला, 3 का स्क्वायर 9, पावर डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 1 मिला तो 3. अगर प्लस होता तो आपको यूनिट डिजिट मिलता 6. अब बात करते हैं यहां पर कि यहां पर क्या होगा. तो एक चीज अच्छे से समझिए, भले ये ऐसा है 3 की पावर 98 की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका अगर यूनिट डिजिट देखें, जब आपने पावर में 4 का डिवाइड किया तो इसका यूनिट डिजिट है 9, इसको डिवाइड किया रिमाइंडर मिला 1, इसका यूनिट डिजिट है 3, 9 - 3 होता है 6, दैट 6 इज अ राइट आंसर. ये वाला पोर्शन नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में मैंने आपको कवर करवाया, आप उसका एडवांटेज लें. एक प्रॉपर वे में अगर प्रिपरेशन करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, इंपॉसिबल है. ऐसे क्वेश्चंस करने की आदत डालना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 294, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर. आपको बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 294, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर. यानी 4 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम 294 है तो उनके इंडिविजुअल सम क्या होंगे. कुछ ऑप्शन इस तरह के हैं, देखिए इसमें मैं बताऊंगा ऑप्शन की भी हेल्प कैसे ली जाती है और क्या करना चाहिए. डी ऑप्शन है 26. सबसे पहले तो नेचुरल नंबर कॉन्जुगेटिव बोला है तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर x है तो अगला x+1 होगा, अगला x+2 होगा, अगला x+3 होगा.
this plus this plus this 4x plus 6 इक्वल टू क्या होगा नंबर ये पूछा गया है। अच्छा इनका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 294। एक तरीका ये हो सकता है कि हम थोड़ी सी चाहे तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। अभी ये मान लीजिए 4x प्लस 6 इक्वल टू 38, देन 4x इक्वल टू 32, सॉरी हाँ 32, x इक्वल टू 8। इसका मतलब अब मान लीजिए कि ये आंसर करेक्ट होता तो पहला होता 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 एंड 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए अगर मैं इसको ऐड करूं 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 जबकि लास्ट में 4 है यानी ये आंसर रॉन्ग हो गया। 32 इज दिस इज वन इज रॉन्ग। इसका मतलब 4x प्लस 6 इक्वल टू हो सकता है 34 हो, बी पे आए तो क्या होगा x इक्वल टू 7, कोई टाइम नहीं लगेगा 28। अब 7 मतलब 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 11 का 9 का 10, 10 का स्क्वायर 100। देखिए 1 प्लस 9 0 एंड 4, दिस इज द राइट आंसर, दिस वन इज अ राइट आंसर, क्योंकि हमने बने बिना स्क्वायर के भी अगर आप ऐड करेंगे, वैसे ऐड भी कर लें तो 294 आएगा। पर कुछ लॉजिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं, जैसे इसको किया तो 50 ये हो गया 230 और ये 64 ये हो गया 294। यानी किस लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारी बातें इस पे डिपेंड करती हैं। अगर इस तरह का आप कंसेप्ट बना के चलेंगे तो आपसे कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे कोई मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या है और समझिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हैज रूट्स इक्वल टू पी क्यू, इसके रूट्स हैं पी एंड क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मेंशन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। ओके बहुत कुछ ऑप्शन ही हेल्प कर देंगे। इस इक्वेशन के रूट्स पी क्यू बोला है तो आपको बताना है पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय क्यू से क्यू कैंसिल, सॉरी क्यू से क्यू कैंसिल, तो पी की वैल्यू तो आ गई 1, पी की वैल्यू 1 आ गई तो इन दो ऑप्शन में ही है, दो रिजेक्ट। पी की जगह 1 रख दो, सम ऑफ रूट्स पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी, देन क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ 2, देन दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। बेसिक छोटी छोटी चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का सम होता है माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। किस क्विकनेस के साथ आप क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितना हाई स्कोर मैथ्स में कर सकते हो उसका एडवांटेज ओवरऑल कट ऑफ में मिलने वाला है, इस बात को समझिए। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि कम से कम हमें 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन तक मैथ्स की रीच बनाना, उसका तरीका ये, राइटिंग वर्क कम हो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, मेंटली लॉजिकली अपने आप बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी हम लोग एक नए न्यू बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं 23 सितंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, इफ बी माइनस सिक्स इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो वेयर बी इज एन इंटीजर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। अब समझिएगा कि क्या करना है, सबसे पहले b की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और हम इसमें एक रूट अल्फा मान लो ऐसा दिया है b माइनस सिक्स, बीटा निकालना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, गो फॉर ऑप्शन, पर जब मैक्सिमम वैल्यू बोली तो b की सबसे, ये b स्क्वायर है सर, तो b की सबसे बड़ी वैल्यू वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा, अगर कर गया तो वही करेक्ट होगा, क्यों मैं अगर स्मॉलेस्ट बोलते तो मैं यहां से स्टार्ट होता, तो b की वैल्यू ली 9, अगर मैं 9 रख दूं तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 3, राइट 3 रख दीजिए तो एक रूट मिला आपको, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। अच्छा अल्फा इंटू बीटा दो रूट्स का प्रोडक्ट कितना दिया है b, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 और b भी 9 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। देखिए आंसर से एक ही आंसर से कर लिया, दूसरे क्यों नहीं चेक कर रहा हूं, हो सकता है कर रहे हो पर मैक्सिमम वर्ड लगा के आपको यहां पर कम कर दिया। अब मान लो आप थोड़ी देर के लिए चलो ये 8 में करता तो क्या होता, 8 रखता तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, दो रूट्स मिलते हैं मुझे 2 एंड 4। अब 8 माइनस 6 एक रूट हो गया 2, तो दूसरा रूट देखिए अपने आप ही 4 हो जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा 8 है, बट
अब ये भी कर रहा है पर मैक्सिमम वर्ड लिख दिया। अब आप स्टार्टिंग से चल रहे होते तो आपको ये मिलता, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते। यही छोटी छोटी चीजें जिनको समझना पड़ता है, और जब एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में काफी किए हुए हैं, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कवर करे हुए हैं आप अगर ध्यान देंगे तो। आप देखिए क्या है, इफ ए इक्वल टू 7 + 4√3 then what is the maximum value, then what is the value of a plus 1/a, option कुछ इस तरह के 2, 3, 4 and 7, ये b है ये c है। अब सुनिए, जब भी ऐसा लिखा आ जाए बिल्कुल देखते ही क्लिक करना चाहिए, ये ऐसा आइए 4 + 3 + 4√3, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × 2 × √3 मींस लॉजिकली ये 2 + √3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी 2 + √3 है, यानी एक वैल्यू अगर 2 + √3 है तो इसका रेशनलाइजिंग जो होगा वो 2 − √3 होगा, तो करेक्ट आंसर इज 4। कर 2 + 2 कितना 4, रेशनलाइज कैसे करेंगे, ए अगर 2 + √3 है तो 1/a मतलब 1 upon 2 + √3 into rationalize करिए तो 2 − √3 upon 4 − 3 1, right? Note down this question। चलिए next question देखते हैं, देखिए क्या है, what is the maximum value of expression 1 upon x² + 5x + 10, ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं 15/4, 15/2, 1 and 4/15। सुनिए, इस तरह के क्वेश्चंस में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक में किए थे, मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक बताया था, उसमें बताया था इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो और ये 1 upon है तो मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे, परफेक्ट स्क्वायरिंग करके, डिफरेंशिएट करके भी करते हैं, पर मैं आपको उस ढंग से पढ़ा रहा हूं जिस ढंग से आपने सीडीएस में करना चाहिए था। प्लस 10 ये मिला x + 5/2 का होल स्क्वायर 40 + 15/4, इसकी मिनिमम वैल्यू है 15/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल है, यानी 4/15, देन दिस इज द राइट आंसर। परफेक्ट स्क्वायरिंग करी, परफेक्ट स्क्वायरिंग के समय केवल एक छोटी सी चीज ध्यान रखी जाती है, केवल एक छोटी सी चीज की, ए स्क्वायर और 2ab के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं बी, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, इमीडिएटली आपकी वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, समझिएगा क्वेश्चन जितने क्लियर होंगे उतनी जल्दी आपसे आपको मजा आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x − y³ + y − z³ + z − x³ 9 × x − y, y − z, z − x, काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझिए अगर इनको ऐड करूं मैं तो y से y कैंसिल, z से z, x से x, यानी a³ + b³ + c³ का सिंपल फॉर्मूला होगा, तो 3 × this × this × this कैंसिल, तो आंसर हो गया 1/3। अब मैंने क्या क्या चीजें करी समझिएगा, मैं आपको हमेशा पढ़ाते समय बोलता हूं सबसे अच्छी टेक्निक्स होती है स्टेप सेविंग टेक्निक्स, उससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती। होता क्या है कि आप अगर कोई और ट्रिक सीखते हो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेस्ड होती है, अगर स्टेप सेविंग ट्रिक सीखिए तो इसका मतलब है कम से कम स्टेप में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मेंटली सॉल्व करें, लिखे मत, राइटिंग वर्क जितना कम होगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट उतने ज्यादा होंगे। a³ + b³ + c³ होता है a + b + c × a² + b² + c² − ab − bc − c+। अब इसमें देखते ही मुझे ट्राई ये करना चाहिए कि क्या करना है, ये फॉर्मूला दिमाग में आया तो इन तीनों को ऐड करना है। अब देखो आप जब इनको ऐड करते तो ये जीरो हो जाता, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, केवल 3 × ABC मिलता, यानी ये मिलता। अब ये फॉर्मूला अगर आपको मेंटली क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब कैंसिल, तो देखिए 1/3। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप सिंगल से सिंगल स्टेप में कर सकते हैं बिना कोई देर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, फिर मैं वो करूंगा जो सेकंड स्टेप में होना चाहिए, थर्ड स्टेप में होना चाहिए, लाइक दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या, इफ द सम ऑफ द रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, सम ऑफ रियल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5, देन हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल। कुछ ऑप्शन इस तरह के दिए, नन, 1, 2 एंड
4। अब सुनिए, x प्लस 1 बाय x 5, 26 बाय 5 दिया, सिंपल है, अपॉन में जो उसको देख लो, यानी x 5 ले लो। अब 5 प्लस 1 अपॉन 5, देखिए 26 बाय 5, तो x 1 बाय 5 भी हो सकता है, तो 1 बाय 5 प्लस 5 इज ऑल्सो 26 बाय 5, देन 2 इज अ राइट आंसर, राइट, 2 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी और आया था, वो एक और मिलता है, देखिए क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 6 रूट 7। रूट 7 देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि बस 7 प्लस 9 प्लस 6 रूट 7, इसका मतलब ये एक तरह से रूट 7 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 है, मीन्स इसको रूट 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी रूट 7 प्लस 3 लिख सकते हैं, राइट, तो 3 प्लस रूट 7 इज अ राइट आंसर। यानी क्वेश्चंस को करने की अप्रोच ही सब कुछ डिपेंड करती है, आप किस ढंग से क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ रियल नंबर एक्स इज सच दैट, अ रियल नंबर एक्स इज सच दैट, और मैं आपके साथ पूरा पेपर धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, अ रियल नंबर एक्स इज सच दैट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम, व्हाट इज द एक्स। अब मैक्सिमम जब भी होगा, देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन, माइनस 0.5, 0.5 और 1.5, ये दो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर उससे बड़ा होता है। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो x छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच का नंबर अगर कभी भी है तो इसका स्क्वायर और छोटा होता है, जैसे 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, बट आगे x दिया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो 0.5 इज अ राइट आंसर। रख के देख लो, अगर x 1/2 है तो 1/2 माइनस 1/4, देन दिस इज 1/4, अगर आप ये ले लेते माइनस पॉइंट तो ये निगेटिव हो जाता, इसलिए ये नहीं लिया, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम ये वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, और समझिएगा क्वेश्चंस को, मैं अभी आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिनको देखते ही कर सकते थे। एससीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, विच ऑफ द देयर फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, कौन कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। सिंपल, दो नंबर का अगर एससीएफ 12 है तो एक बात पक्की है, एससीएफ क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर होगा 12 है, एक नंबर होगा 12b, और एलसीएम इनका कॉमन होगा, तो इसका मतलब 12 का डिविजन होना चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीन आंसर नहीं है, तो बचा आंसर ए, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है और समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनिट डिजिट ऑफ 17 पावर 174 इज 7, इसका लॉजिक बताया था, पावर डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर मिला 2, 7 का स्क्वायर 49, 9 आना चाहिए, 7 दिया तो 1 रॉन्ग है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिए, 2 3 को बाद में पढ़ूंगा, 1 2 3, बी में 1 एंड 2 ओनली, सी है 2 एंड 3 ओनली, डी है 1 एंड 3 ओनली, अगर जिसमें 1 है वो तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो बस खत बचा क्या, 2 3, यानी 2 और 3 को बिना पढ़े भी आप मार्क कर सकते थे, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने बहुत सिंपल से पढ़ाई है, जरा एक बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी देखते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस भी करवाता हुआ चलूंगा। क्या क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, देखिए जैसे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया हुआ क्वेश्चन है, और आप देखोगे कोर्स में तो दिखेगा, इफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, देन साइन पावर 12x प्लस 3, अभी मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप इस ढंग से सोचे, बाकी तो मैं आपको पता है, आपको जब फाउंडेशन पढ़ाता हूं तो कितना सिलो। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, क्योंकि ये उधर गया तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो, तो cos पावर 6x, लिखना चाहो तो 3 cos पावर 5x प्लस 3 cos पावर 4x प्लस cos क्यूब एक्स, अगर ध्यान दें तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब है, एंड दिस इज 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस हैं, जरा कुछ देखें हम समझें कि क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 कॉस थीटा प्लस लॉग बेस 10 साइन थीटा प्लस लॉग बेस 10 टेन थीटा प्लस लॉग बेस 10 cot थीटा प्लस log बेस 10 हो गया। इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप log
m plus n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये सब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, m n p एंड सो ऑन। तो देखो cos से कैंसिल, साइन cos x से, tan cot से, एक्चुअल में मिलेगा log 1, लिखना नहीं है, log 1 का आंसर 0, इसलिए आंसर विल बी 0। ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा समझिएगा क्या क्वेश्चन है, कि इफ थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5 एंड एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, तो पूछा देन द वैल्यू ऑफ 1 + 3x + 9x² + 27x³ + 81x⁴ + 243x⁵ ऑप्शन है 941 1220 1365। लॉजिक से समझें तो अगर साइन थीटा 3/5 है तो आपको ये पता है ये 3/5 है, ये 4 है, तो कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या होगा 1 + 3 × 4/3 9 × 16/9 + 27 × 64/27, ये सब कैंसिल हो रहा है, 81 × 4 की पावर 4 यानी 256 अपॉन 81 + 243। ये देखिए यहां पर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 5 यानी 1024 अपॉन 243, ये सब कैंसिल होते जाएंगे। अब आपके पास है 1 4 16 64 256 और 1024। आप केवल यूनिट डिजिट को ऐड करके भी आंसर दे सकते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये 5, देखिए किसके एंड में 5 है, केवल इसके एंड में 5 है, तो एक सिंगल स्टेप में भी आंसर दिया जा सकता था पूरा ऐड करने की जगह, राइट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन 19 अपॉन कॉस 71 प्लस कॉस 73 अपॉन साइन 17। देखते ही समझ में आता होगा कि इन दोनों एंगल का सम 90, इन दोनों का, तो ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर विल बी 2, क्योंकि आपको पता है साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट।